हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है एक इलेक्ट्रिकल आयरन। ये देखिए, मेरे पास एक इलेक्ट्रिकल आयरन है। आज का हमारा जो कॉन्सेप्ट है इसी से रिलेटेड है। आज हम बताएंगे आपको कि ये जो आयरन है, जिसको हम लोकल लैंग्वेज में प्रेस भी कहते हैं, जिससे हम कपड़े अपने प्रेस करते हैं, कि इसको कैसे रिपेयर किया जाता है और इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और ये सारे पार्ट्स कैसे वर्क करते हैं, थर्मोस्टेट कैसे काम करता है, ये थर्मोस्टेट है, एलिमेंट इसका कैसे काम करता है, सब कुछ आज जानेंगे इस वीडियो में। अगर आप जानना चाहते हैं इसके बारे में तो बने रहिए हमारे साथ और इस वीडियो को बिना स्किप किए देखिए। और हाँ फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले एक बार आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि हमने एक ब्लॉग नया बनाया है, मोटर कॉइल वाइंडिंग डाटा .blogspot.com। ये हमने ब्लॉग बनाया है जहाँ पर हम डेली नए ब्लॉग्स में डेली आपको इन्फॉर्मेशन लिखते हैं। वहाँ पर डाटे, नई नई मोटरों के डाटे वहाँ पर लिखे जा रहे हैं और आप वहाँ पर जाकर डाटे को आसानी से रीड कर सकते हैं। और नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर विजिट कीजिए और वहाँ पर आप उसको फॉलो कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में वहाँ पर नीचे लिखें, आपको तुरंत उसका वहाँ पर आंसर मिल जाता है। सो हमारे ब्लॉग को विजिट करना मत भूलिए। तो चलिए अभी करते हैं ये वीडियो स्टार्ट और जानते हैं कि ये जो आयरन है ये कैसे काम करती है। सो फ्रेंड्स, करते हैं वीडियो स्टार्ट। ये देखिए, मेरे हाथ में एक एलिमेंट है, ये हमारी ओल्ड मॉडल जो प्रेस होती है, हैवी वेट। ये देखिए, एक हैवी वेट प्रेस है, काफ़ी हैवी है। इनमें यही एलिमेंट यूज़ होता है। और ये देखिए, जहाँ पर एलिमेंट में ये जो पत्तियाँ लगी हुई हैं ये सारी गर्म होती हैं और इन्हीं से जो हमारी प्रेस हीट होती है। ये बीच में एलिमेंट की जो वायर होती हैं ये हीट होती हैं। और ये देखिए, जहाँ पर एक जो थर्मोस्टेट थर्मल लगा होता है, इसको थर्मल पेपर कहते हैं। और ऊपर ये कपड़ा रहा होता है, ये कपड़े वाला जो साइड है इसको ऊपर रखना होता है ऐसे, और थर्मल वाला जो पार्ट्स होता है इसको हमने नीचे ऐसे लगाना होता है। और इसकी जो दो वायर हैं, इसकी कंटिन्यूटी हम इससे चेक कर सकते हैं। वो कैसे करनी है मैं अभी आपको एक बार करके सीरीज में बता देता हूँ। इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी बहुत ही आसान है। सो फ्रेंड्स, ये हमारा सीरीज लैंप ऑन है। ये देखिए, हमने जहाँ पर लगा के दोनों पॉइंट्स पे चेक करनी कॉन्टिन्यूटी इसकी। ये देखिए, कॉन्टिन्यूटी बोल रही है, इसका मीन्स है हमारा एलिमेंट जो है सही है। सो अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। ये तो एलिमेंट हो गया, ये आ गया हमारा थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट में फ्रेंड्स तीन पार्ट्स होते हैं। ये देखिए, जहाँ पर दोनों एलिमेंट्स की वायर लगती हैं, यहाँ पर और यहाँ पर, ये होते हैं इसके कटआउट के पॉइंट। ये देखिए, नीचे है और ये ऊपर है। ये बीच में, इसके गौर से देखिए, ये बीच में इसके पॉइंट बना हुआ है। जहाँ पर देखिए, ये जब ऐसे जॉइंट करता है, इस तरह जब जॉइंट करेगा तो ये ऑन होगा, जब ये हीट ज़्यादा हो जाएगा फिर ये छोड़ देगा इसको। और इसको हीट की जो सेंस देती है वो नीचे एक पत्ती लगी होती है, वहाँ जहाँ पर नीचे शायद अगर दिख रहा होगा, वो वहाँ पर नीचे एक पत्ती लगी होती है। वो देखिए, वहाँ पर नीचे लगी होगी, जहाँ पर नीचे पत्ती लगी होती है, पत्ती से जो ऊपर आता है इस स्क्रू की वजह से। स्क्रू ऊपर आकर जहाँ पर ये ऐसे लगा होता है और जहाँ पर स्क्रू को हम, ये देखिए जैसे ये फिट हुआ है, जहाँ पर ये लगाकर, जहाँ पर इसको स्क्रू को, एक छोटा स्क्रू लगा होता है, ये जहाँ पर रखकर इसको आपने टाइट कर देना। और अभी इसको आप जैसे जैसे टाइट करोगे उतना ही ये ज़्यादा हीट होगा। मैं आपको एक बार सैंपल इसका चेक कराता हूँ।
ये देखिए ये प्रेस है, ये मैंने आपके लिए कनेक्शन कर रखे हैं, ये हम जाम पर लगा दिया इसका। ये देखिए थर्मोस्टेट ओके है, ये शॉर्ट है, अभी देखते हैं किस चीज़ से शॉर्ट है। फ्रेंड्स इसकी शॉर्ट चेक करने के लिए आपको ये वायर डिस्कनेक्ट करनी होगी। ये मैंने अपनी तरफ से इसको शॉर्ट कर रखा है ताकि आपको इन्फॉर्मेशन दी जाए कि इसमें क्या शॉर्ट होता है। इसमें जो पत्ती लग रही है नीचे जहाँ पर इससे टच हो रही है, इसकी वजह से ये शॉर्ट है। इसको हम थोड़ा सा लूज करेंगे, थोड़ा सा लूज करके हम चेक करते हैं एक बार। फ्रेंड्स हम करते हैं इसको डिस्कनेक्ट, फिर चेक करते हैं एक बार। जब मैंने सारा ही देसी जुगाड़ बना रखा है आपके लिए ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके और प्रेस की जो बेसिक नॉलेज है वो आपको मिल सके। इसलिए मैंने यहाँ पर कोई स्क्रू नहीं लगाया। ये कर देंगे हम डिस्कनेक्ट, अभी करते हैं इसको चेक। तो चलिए ये हो गया डिस्कनेक्ट, अभी चेक करते हैं। ये देखिए इसका शॉर्ट है एलिमेंट। अभी हम एलिमेंट के लिए क्या करेंगे, इनको खोलेंगे। सो फ्रेंड्स वायर्स हो गई हैं रिमूव, अभी इसको भी दिखाते हैं आपको खोल के। ये देखिए ये स्क्रू लगा होता है यहाँ पर छोटा सा, तो चलिए जी आ गया हमारा एलिमेंट्स। ये देखिए एलिमेंट फुल शॉर्ट है, सो फ्रेंड्स इसको देखते हैं खोल के। ये तीन स्क्रू हम खोलेंगे,
एक बार इसको इसको फिर से देखते हैं फिट करके। चलिए इस तरह से करते हैं इसको, अभी एक बार फिर से ट्राई करते हैं। पहले टेम्परेरी चेक करते हैं एक बार, अभी देखिए शॉर्ट ठीक है। जहाँ से ये जो पत्ती है, ये जहाँ पर टच हो रही होगी मेरे ख्याल से, इसको थोड़ा सा अच्छी तरह से प्रॉपर वे से सेट कर देते हैं ताकि ये परेशानी हमें दोबारा फिर ना आए। स्लीप चढ़ा देंगे यहाँ पर। फिर से एक बार फिट करते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो चुकी है। ये देखिए एलिमेंट हमारा जो शॉर्ट था वो ठीक हो चुका। अभी हम जल्दी से इसको कर लेते हैं फिट और एक बार आपको थर्मोस्टेट सेट करके दिखा देते हैं। सो फ्रेंड्स, एक बार करते हैं चेक इसको कि शॉट अभी कैसे है। जी, हमने इसको दोबारा फिट कर लिया है, कॉन्टिन्यूटी ओके है, तो इस हिसाब से शॉट सही है। अभी करते हैं इसको थर्मोस्टेट सेट। ये देखिए जो पत्ती नीचे से आ गई है, मैं इस पर इस तरह इसको रख के इसको हल्का सा टाइट करूंगा।
ये है इसका कम ज़्यादा करने वाला। इसमें जो एक पत्ती लगी रहती है जो इसको टाइट करके रखती है, इस पत्ती को आपने इस तरह से लगाना होता है। ये भी सुराख हैं, ये ऊपर से फ्रेम को कसेंगे और जहाँ पर थर्मोस्टेट लगेगा। सो फ्रेंड्स, जी हमने कर लिया सब कुछ फिट। अभी करते हैं इसकी टेस्टिंग। ये देखिए, सीरीज में ओके है, ये कंटिन्यूटी अभी नहीं चल रही। और ये कैसे चलेगी ये आपको मैं बताता हूँ। जहाँ पर हमने सीरीज की दो तारें लगा ली, इसको हम प्रेस करेंगे तो ये चलेगी। अभी हमने क्या करना है, जो जो स्क्रू है इस पत्ती का, जो मोटा जो सिरा है, मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। ये देखिए, ये पत्ती है और ये जो इसका, ये देखिए, ये जहाँ से पतली है और जहाँ पर आके ये मोटी हो जाती है, ये देखिए, ये है हमारा थर्मोस्टेट। और जहाँ पर लाके हमने इसको ऐसे, ये जो नुक्कर है इसकी जो मोटी साइड की है, जहाँ पर लाके हमने इसको जहाँ पर रखना है, जहाँ पर इसको इस तरह से टिकाना है, ये देखिए। और ये इस तरह से इसको मैंने सेट किया हुआ है ऑलरेडी। और अभी मैं ये जो स्क्रू है इसको हल्का हल्का टाइट करूँगा जब तक कि इसकी कंटिन्यूटी ना बन जाए। इस स्क्रू को मैंने तब तक टाइट करते रहना है जब तक इसकी कंटिन्यूटी ना बन जाए। ये देखिए, अभी इसकी कंटिन्यूटी बन गई है। इसको थोड़ा सा लूज करते हैं ताकि डिस्कनेक्ट भी हो जाए। ये देखिए, अभी इसको हम लेफ्ट साइड को घुमाएंगे। ये देखिए, जहां पर चल रहा है और जहां पर आके ये कट कर गया। सो इस तरह से आप इसका जो थर्मोस्टेट जो है सेट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर वीडियो आया पसंद तो कीजिए इसको लाइक। अगर आपके यहाँ माइंड में कोई क्वेश्चन तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपको जरूर उसका आंसर देंगे। और हाँ, हमारे ब्लॉग को विजिट करना मत भूलिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है नीचे। और वहाँ पर डेली हम नए डेटे जो हैं पोस्ट करते हैं और आप उन डेटों को अपनी मोटर्स में यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स।